केजा सुदीप कनाडा का बादशाह है और उनका रीसेंट वीकेंड ट्रोना बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस होने के बाद सुदीप ने अभी अपने कई अपकमिंग प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट को लेकर बिजी है। दोस्तों आज मैं केजे सुदीप का अपकमिंग फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ और अगर आप हो सुदीप का फैन ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए और एक लाइक भी करिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। वन कब्जा और ये अपकमिंग एक्शन एडवेंचर वॉर फिल्म है जहाँ पर रियलिस्ट उपेन रावत और केजे सुदीप को लीड रोल में नजाएंगे और जहाँ पर दोनों का इसमें होगा एक गैंगस्टर बला अफ्तर और इसमें साउथ अंडरवर्ल्ड का स्टोरी को दिखाया जाएगा और इसमें उपेंद्र को टक्कर देना होगा 7 विलेन के साथ और ये रियलिस्ट उपेंद्र का बिग बजट मल्टी लैंग्वेज फिल्म होगा जिसको 7 लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। कनाडा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी के साथ ही साथ मराठी और बंगाली भाषाओं में भी रिलीज होगा। और केजीएफ की बात, कनाडा का और एक गैंगस्टर वाला फिल्म आ रहा है कब्जा। दोस्तों कब्जा के लिए आप कितने एक्साइटेड है कॉमेंट पर बताइए। नंबर टू बिरला रंगा बसा जहाँ पर अपकमिंग साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म होगा और जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं विक्रांत चोना का डायरेक्टर आनु भंडारी ने और इस फिल्म पे केजे सुदीप को 3 डिफरेंट रोल में नजर आने वाले हैं और जहाँ पर फ्यूचर एरा भी दिखाया जाएगा और ये फिल्म होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को विक्रांत चोना से भी कई गुना ज़्यादा बिग स्क्रीन में बनाया जाएगा और इस फिल्म का बजट 100 करोड़ प्लस रखा गई है और ये फिल्म टोटल 2 पार्ट में होगा रिलीज और जहाँ पर विक्रांत चोना की तरह बिरला रंगा बसा फिल्म भी पैन इंडिया पे रिलीज होगा। नंबर 3 रवि बोपन्ना और ये अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है वी रविचंद्रन ने और इसमें उन्होंने लीड रोल प्ले करी है और साथ में इस फिल्म पर केजे सुदीप का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा और इसमें रविचंद्रन को एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के रोल में नजाएंगे और जब इसका स्टोरी ऑर्गन ट्रैफिकिंग पर बेस्ड होगा और ये फिल्म रिलीज होगा काफ़ी ग्रैंड वे से 12 अगस्त। नंबर 4 थग्स ऑफ मलगुदी और ये अपकमिंग ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं 777 चार्ली का एक्टर यानी कि राक्षी शेट्टी ने और इसमें केजे सुदीप के साथ राक्षी शेट्टी लीड रोल में नजाएंगे और जिसका स्टोरी टीवी सीरीज मलगुदी डेज का पॉपुलर एपिसोड स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स का पर बेस्ड होगा और इसमें पे सुदीप का होगा काफ़ी डिफरेंट एफ्टर। नंबर 5 विक्रांत चोना 2। हाँ दोस्तों जहाँ पर रिसेंटली विक्रांत चोना रिलीज हुआ है और जिसका सक्सेस के बाद मीडिया पर बाज उठा है कि विक्रांत चोना का सीक्वल यानी कि विक्रांत चोना 2 आएगा और इसके बारे में केजे सुदीप का कहना है कि सिर्फ कुछ पैसे के लिए उन्होंने ये सीक्वल नहीं करेगा बल्कि डायरेक्टर अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया लेकर फ्यूचर में आई तो ही केजे सुदीप ने इसका सीक्वल पे काम करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विक्रांत चोना का सीक्वल आना चाहिए या नहीं? नंबर 6 वेंकट प्रभु का नेक्स्ट जहाँ पर बादशाह केजे सुदीप का नेक्स्ट फिल्म लॉन्च होने वाले है डायरेक्टर वेंकट प्रभु के साथ और बता दोस्तों जहाँ पर वेंकट प्रभु ने इससे पहले माना दो जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म में डायरेक्ट किया है और ये एक साइंस फिक्शन फिल्म होगा जहाँ पर इसका शूटिंग अक्टूबर से स्टार्ट होगा और अभी भी स्टोरी के बारे में कुछ डिटेल्स रिवील्ड नहीं हुआ है। नंबर 7 ऋषभ शेट्टी इज नेक्स्ट और ये अपकमिंग ड्रामा फिल्म है जिसको डेट करी है ऋषभ शेट्टी ने। बता दूं दोस्तों जहाँ पर ऋषभ ने इससे पहले क्रिक पार्टी जैसे फिल्म में डेट किया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है जहाँ पर इसमें केजे सुदीप के साथ बॉलीवुड का बिग बी अमिताभ बच्चन को भी लीड रोल में नजर आएंगे और अभी डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म का स्क्रिप्ट को लेकर काम कर ली है और ये फिल्म बायलिंगुअल फिल्म होगा यानी कि इस फिल्म को कनाडा के साथ ही साथ हिंदी भाषा में भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो उसे ये रहा केजे सुदीप का कैरियर में सारे अपकमिंग प्रॉमिसिंग फिल्मों के बारे में। इस लिस्ट पर कौन सी अपकमिंग फिल्म के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड है कॉमेंट पर बताइए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।